आ जाओ। वसीली, बात सुनो, अगर तुम हिलाल को फांसी दोगे तो मुमकिन है जावेद को खो दोगे। ऐसे नहीं लग रहा कि हम उसके जज्बात के साथ खेल रहे हैं? ठीक कहा ना? अगर तुम्हें एक सिपाही के जज्बात का इतना ही ख्याल है ना वेरोनिका, तो एक बात बताओ मुझे, इस वक्त अनातोलिया में क्या चल रहा है? वहां बगावत शुरू हो चुकी है, वो हमारे खिलाफ फौज तैयार कर रहे हैं जो बीच में आने वाले उस्मानियों को भी मार डालेगी। वो तहरीक एक नया मुल्क बनाने के लिए जारी है। वो लोग हमें इस मुल्क से निकालना चाहते हैं जिसे हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर फतह किया। इसलिए मैं उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता हूं, इबरत का निशान बना दूंगा उसकी बेटी को और कमांडर जावेद को, उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये एक फौजी का फैसला है वेरोनिका। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो जर्नल, और हाँ, याद रहे इसका खमियाजा तुम अकेले नहीं भुगतोगे, हमें भी भुगतना पड़ेगा और पूरे यूनान पर इसके असरात पड़ेंगे। अफसोस, अफसोस। तुम्हें कुछ नहीं होगा हिलाल, कुछ नहीं होगा। जी बताइए मोहतरमा। दरअसल वो मेरे जूते की सिलाई निकल गई है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? हाँ जी दिखाइए। आपके पास ज्यादातर मर्दाना जूते आते होंगे, खवातीन कम ही आती होंगी है ना? क्योंकि वो अपने जूते एहतियात से इस्तेमाल करती हैं। जूते खराब ना हो जाए इस वजह से खवातीन एहतियात करती हैं। उस्ताद वो जूतों की मरम्मत हो गई है। अच्छा ठीक है, इसे भी ले जाओ और इसकी सिलाई कर दो। ठीक है। जल्दी यूनानी हेडक्वार्टर चलो, जल्दी चलो। जनरल वसीली, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जिस रात धमाका हुआ था, जावेद मेरे साथ नहीं था, हमने आपसे झूठ कहा था। तो उस वक्त वो कहाँ पर था, तुम कुछ जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। अब ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो, पहले ही सच बोल देती। मैं वो, इसका मतलब साफ है कि तुम कमांडर जावेद के बदले अपनी बेटी को बचाना चाहती हो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा।
अपने लिए मुश्किल ना खड़ी करो और जाओ यहां से। मैं आपको अपनी बेटी की जान नहीं लेने दूंगी, सुन लिया आपने? मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। लो वजू कर लो। वतन के लिए जान देना बाई से फखर है, लेकिन मेरा एक गुनाह है जो मैं कबूल करता हूं। मैंने एक बेगुनाह यूनानी फौजी को मारा। आंद्रयास, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ हुक्म माना। मैं अपने दिल की आवाज न सुन सका। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ऐ अल्लाह, हमारी तहरीक आजादी को फतह से हमकिनार कर। ये आपको कुरान सुनाने के लिए आई हैं। अलिफ लाम मीम। ऐ ईमान वालों, इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तुम एक बात याद रखना कि ये जो कोशिश तुम अपने वतन के लिए कर रही हो ना, वो सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी नोए इंसानी के लिए है जो हमारे वतन के लिए शहीद हो गए और जो इस वतन में पैदा होंगे, और हर मजहब के लिए है। मेरी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। हालदा अदीब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। आपके बारे में बहुत सुना था, मगर जानती नहीं थी कि आपसे ये मुलाकात हो जाएगी। जब तक हमारी सांसें चलती हैं, हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये तुमने लिखा था ना कि जिनके जवान बेटे शहीद हो जाते हैं वो किसी के सामने झुका नहीं करते। मैं जानती हूँ हालत इकबाल के नाम से तुम्हें लिखती हो, वो सब तहरीरें तुम्हारी,
तुम्हारी तहरीरें मुझ तक पहुंचती रही हैं। मैं हमेशा से ही आपसे मुतासिर थी। जब भी मैंने आपके नाम से मिलता जुलता नाम हालिद इस्तेमाल किया, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं देखते ही समझ गई थी तुम्हारी आंखों में वतन के लिए मोहब्बत है, तुम्हारे अल्फाज में जज्बा हुबुल वतनी झलकता है। देखना, तुम्हारी आवाज कोने कोने तक जाएगी। बुर्सा में उस्मान गाजी, इस्तांबुल में फातेह और अनातोलिया में मुस्तफा कमाल की आवाज बनेगी। क्या आप मुस्तफा कमाल से इज़मीर की इस नाचीज का जिक्र करेंगी? कहना कि वो आजादी ना देख सकी मगर उसका दिल वतन की मोहब्बत से लबरेज था। पर हालिद इकबाल को मौत नहीं आ सकती हिलाल। ये तुम्हारे वजूद को खत्म तो कर सकते हैं मगर जो तुम्हारी सोच है उसे नहीं कर सकते। एक हालिद इकबाल मर भी गया तो क्या, बाद में आने वाला हर बच्चा हालिद इकबाल होगा। जाल में फंस जाएंगे। बाज लोग समझते हैं मैं सांसों का चलना ही जिंदगी की अलामत है, मगर शायद वो इस बात से ला इल्म है कि आबे हयात की वजह से ही उस परिंदे को दोबारा जिंदगी मिलती है। परिंदा परवास करेगा, एक ऐसा परिंदा जिसका तुम सबने हमेशा इंतजार किया कि वो परिंदा आए और हमें बचा ले। लेकिन वो ताकत तो तुम्हारे अपने अंदर है। कानून कुदरत है कि हक की आवाज को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, और वो आवाज तुम हो, मैं हूं, और ता कयामत किसी ना किसी रूप में महफूज रहेगी। खुदा के लिए कुछ करो जावेद, खुदा के लिए।
जावेद कुछ करो खुदा के लिए, जावेद हमारी बच्ची को बचा लो जावेद, जावेद जावेद कुछ तो करो जावेद, वो हमारी बच्ची सब्र करो जावेद, जावेद तेरी बच्ची को बचा लो, छोड़ो मुझे छोड़ो, खुदा की लानत हो तुम पर, तुम सब लोग मुझ दे लो। पीछे हटो, रास्ता दो मुझे, हटो हटो, आयशा अम्मी उठे, आयशा अम्मी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, अम्मी संभाले खुद को, खुदा खारिज करे इन जुनानियों को।
ये तुम क्या करो? ऐसा मत करो खुदा के लिए, सब्र करो मेरा बच्चा। जल्दी करो, रस्सी डालो। कोई आखिरी बात कहनी है तुम दोनों ने? हमारा वतन सलामत रहे। हमारा वतन सलामत रहे। लटका दो इन्हें। कमांडर, जनरल वसीली के लिए पैगाम आया है। लाओ। अगर फांसी ना रुकी तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। अशरफ ने पैगाम भेजा है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है?
मंजिल के करीब पहुंचकर हार जाना चाहते हो तुम? क्या तुम उन्हें बताना चाहते हो कि तुम एक उस्मानी हो, या फिर मुझे जनरल वसीली के हवाले करना चाहते हो? मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? तो फिर याद रहे जावेद, हमारा मकसद अहम है, हिलाल नहीं। उसका नाम आजादी के शोधा में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। शहादत का रुतबा मत छीनो उससे। पाशा, एक और मंसूबा है मेरे पास जिससे हिलाल को बचाया जा सकता है। वो है जनरल वसीली का बेटा लियोन। उसका क्या करना है? आखिर तुम सोच क्या रहे हो? अगर हम कैदियों के बदले उसे अगवा कर लेते हैं, वसीली अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालेगा। ये मुमकिन नहीं। तुमने ये सोचा भी कैसे? ना तो हम उसे अगवा कर सकते हैं और ना ही तुम अपनी असलियत जाहिर करोगे। ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कप्तान लियोन खुद चल के आपके पास आ जाएगा। जावेद, बेटी के प्यार में अंधे होकर तुम वो काम करने जा रहे हो जो नामुमकिन है। हम सबकी जान को खतरे में डालोगे तुम। अगर वो सरहद पार करके नजेली में दाखिल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। पहले ही रेल पर उनका कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से तिजारत भी नहीं हो पा रही। अगर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो तिजारत तो क्या हम खुद भी आ जा नहीं पाएंगे। देखो जावेद, मेरी बात को समझो, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? हमें तहरीक के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए। तुम्हें उस असलहे की खोज लगानी होगी जावेद। हम पहले ही उनकी नजर में हैं। अब लियोन की मुसीबत मोल नहीं ले सकते। आपने जो कुछ भी कहा मुझे उससे इत्तेफाक है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बात सिर्फ हिलाल की नहीं, दुश्मन को यहां से भगाने की है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं जावे। जी बिल्कुल बादशाह, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, इस मामले में कोई भी गलती नहीं है। पाशा, लियोन को शक है कि मुस्तफा समी तहरीके आजादी का सिपाही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सितारा के जरिए अस्पताल से मालूमात इकट्ठी कर सकता है, और सितारा हिलाल की जान बचाने के लिए ये सारी मालूमात लियोन को फराहम करेगी। जाने नहीं देगा पाशा, वो फौरन मुस्तफा समी के पीछे जाएगा। लियोन कमांडर के सामने अपना आप बनवाना चाहता है, जैसे कि कमांडर वसीली आपको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहता है। लियोन आप तक पहुंचने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा, वो मुस्तफा समी को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, और हम लियोन के लिए हवा वक्त उसका इंतजार करेंगे। लेफ्टिनेंट लियोन, पता होता तुम आने वाले हो तो मैं कोई अच्छा इंतजाम कर लेता। फिक्र मत करो मुस्तफा समी, तुम्हारे लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तुम्हें किसी और का इंतजार था ना? मैं किसका इंतजार करूंगा? सच पूछो तो मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम जैसे बुजदिल भी बागियों के साथ मिले होंगे। मैं तुम्हें बुजदिल लगता हूँ लेफ्टिनेंट। जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है उसे और क्या कहूँ? आखिर तुम जैसे लोग क्या सोचकर ये सब करते हैं? तुम लोग ऐसे कामों से आजादी हासिल करना चाहते हो? अपने गुनाहों का इल्जाम किसी बेगुनाह के सर लाद कर या उसकी जान लेकर तुम ऐसा कर पाओगे? क्या यही रास्ता है तुम्हारा? अच्छा क्या अनातोली तुम जैसे लोगों से पाक है? सच कहूं तो तुम्हारे हम वतन हमारे आने की दुआ करते हैं ताकि वो हमारा साथ दें। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। और रही बात उन दोनों की, हम उन्हें कभी मरने नहीं देंगे। और ये काम आप कैसे करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? ये सब क्या है? बाहर जाकर देखो क्या चल रहा है। एक पुरानी कहावत है लेफ्टिनेंट,
बिल्ली शेर को सब सिखाती है सिवाय दरख्त पर चढ़ने के। क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर तुमने बहुत अच्छा काम किया, यही मकसद था हमारा। अशरफ पाशा उसके साथ ही गिरफ्तार हो चुके हैं, कमांडर वसीली को बता दो ताकि वो फांसी रुकवा दे। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया, किसी ने भी नहीं कहा जी लेफ्टिनेंट हम खबर देते हैं। आंद्रे योर्गो, कोई नहीं आएगा, सब मर चुके हैं। हिलना मत लियोन। पीछे हटो। हिलना मत। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। अच्छी तरह से बांधना इसे। इसे कुछ दिन हमारा मेहमान रहना है। मुझे डर है कि ये रस्सी मुझे और मजबूत कर देगी। अहमद रफीक पाशा एक नया निजाम बनाकर दिखाएगा। तुम जितनी चाहे तबाही कर देखो, लेकिन उससे अनातोली के गिर्द घेरा तंग होता जाएगा। तुम जितने लोग मारोगे उतना ही अपनी मौत को करीब लाओगे। तुम्हें अपनी फतह का गुमान होगा तो तुम्हारे सर पर तुर्की का झंडा लहरा दिया जाएगा। सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं जनरल। ये फांसी रोक दी जाए। शुक्र है खुदा का। अल्लाह तेरा शुक्र है। दादी, अल्लाह तेरा शुक्र है। सब लोग जाओ यहाँ से। देखा, खुदा ने हमारा साथ दिया, खुदा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। तुम लोग झूठे हो, लानत हो तुम लोगों पर, अल्लाह लानत करे तुम सबको। अली कमाल, इन सबको ले जाओ। खुदा तेरे लाख लाख शुक्र। आइए दादी। बेशक तू अलहक है, तेरा फैसला हक पिता। सिपाहियों निकाल दो इन सबको, जल्दी करो, कोई यहां नजर ना आए मुझे। जाओ सब लोग।